উইন্যদবান পশান প্রথমিয়ম পরজলন আব মাতোহি কুন সুজদু আর मेरा नाम तारिक अहमद मीर है। मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के एक दूर दराज गाँव गतफरा का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही इसके लिए चैलेंजेड था। 90% मेरी डिसेबिलिटी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बट आई कॉन्ट गिव अप। मैंने एजुकेशन को कंप्लीट करके जॉब के लिए अप्लाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। मैंने उसके बाद हिम्मत नहीं हारी, आई कॉन्ट गिव अप अगेन। तो मैंने स्टार्ट किया अपना ट्रेडिशनल जो हमारा बिजनेस था, उसी को मैंने कंटिन्यू किया और एक ग्रुप बनाया है स्पेशल हेल्थ कश्मीर के नाम से। शुरुआत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, इन्वेस्टमेंट करने का, रॉ मटेरियल खरीदने का, कस्टमर्स इस स्टॉल का कस्टमर्स मिलने का, नेटवर्क बनाने में बहुत सारा टाइम लगा और मुश्किल बहुत सारे आए, लेकिन मैंने हिम्मत भरी, हामी भरी थी कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और एक ऐसे मुकाम तक ले जाऊंगा जहां लोग, जहां सोसाइटी हमें फख्र की निगाहों से देखे। तो फिर जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग जो थी वो हमने तीन भाइयों और पापा के साथ किया था। उसके बाद लोगों ने हमारे अचीवमेंट्स को देखा, लोग आते गए, एक कारवां की सूरत इख्तियार कर गई। तो अभी हमारे पास 40 आर्टिजन रेगुलर जो हम वो काम करते हैं। मैं लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शुरुआत ऐसी हुई, फिर स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद फेयर ट्रेड इंडिया ने न्यू इंडियन आर्टिजन फेलोशिप के नाम से एक स्कीम निकाली, वाहिद जम्मू कश्मीर से मेरा नाम उसमें आ गया। उसके बाद मैं निडर का भी एक मेंबर हूँ। निडर एक डिसेबल एंटरप्रेन्योर की एक नेटवर्क है। मैं मेश का प्रोड्यूसर ग्रुप हूँ। मेश एक वर्ल्ड फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हमारा जो इस साल का जो फेलोशिप हुआ है वो न्यू इंडियन जो है न्यू इंडियन इंक्लूसिव फेलोशिप जो है उसमें हमारा जो है नाम आ गया। कहना यही है कि बहुत सारा स्ट्रगल करने के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां हम अपने आप को पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम और लोगों को भी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम सोसाइटी को भी कुछ दे रहे हैं। हागुलो तो हिमा सब छुओ न्यानों। इंसान को दुनिया में बहुत सारे गम हैं। किसी को बेरोजगारी का गम है, किसी के पास खूबसूरती नहीं उसका गम है, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास औलाद है लेकिन वो फिजिकली चैलेंज्ड है, तो ये सबसे ज़्यादा गम होता है। इसी सिलसिले में गालिब ने क्या खूब फरमाया, गम अगरचे जहाँ गुसल है पे कहाँ सजे के दिल है, गम अगरचे जहाँ गुसल है पे कहाँ सजे के दिल है, गमे इश्क गर ना होता गमे रोजगार होता।